सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्यूटोरियल पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके पाइए वेब डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम अजय कुमार सोनी जैन। गाइस वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2 के 16। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल के साथ। जो आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा 12, जिससे मैं बात करने वाला हूँ ऑटो लोड के बारे में। ऑटो लोड डॉट पी एच पी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्या मतलब होता है ऑटो लोड डॉट पी एच पी का इस फ्रेमवर्क के अंदर, तो आज हम समझेंगे। और वैसे मैं ऑटो लोड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली सीरीज में। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली सीरीज में जाएंगे तो यहाँ आपको एक वीडियो मिलेगा ऑटो लोड डॉट पी एच पी का। ये सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने बताने की कोशिश किया, एक बार दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक वीडियो जरूर होगा ऑटो लोड का, सॉरी ऑटो लोड नहीं, यहाँ पे नहीं है वो है, आपको मिलेगा मैजिक मेथड्स में। तो ऑटो लोड अपने आप एक मैजिक मेथड है। ऐसे कम से कम 12 या 13 मैंने दिए थे मैजिक मेथड्स जो पी एच पी में बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये रहा देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो लोड को, समझ सकते हैं आपको अगर बेसिक से समझना हो। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको फ्रेमवर्क में। तो गाइस देखिए फ्रेमवर्क में क्या रोल है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको कुछ भी चीज़, आपको डेटाबेस यूज़ करना है, आपको हेल्पर यूज़ करना है, आपको आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो आपको सबको पहले क्या कराना पड़ता है, फ्रेमवर्क में लोड करवाना पड़ता है। इस मतलब कोऑर्डिनेटर का ये नेचर है कि आपको कुछ भी चीज़ यूज़ करनी है तो आपको लोड करवाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। बट हम ये चाहते हैं कि देखिए ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। अब जैसे मान लो ज़्यादातर हर पेज के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन यूज़ होता ही होता है, अब उसको आप बार बार लोड थोड़ी करवाएंगे। ऐसी कोई लाइब्रेरी, यूज़र को आपने अपने कोई यूज़र का फॉर्म बनाया, उसको ऑथेंटिकेट करना है, अब उसको आप बार बार थोड़ी लोड करवाएंगे। तो अब मॉडल है एक ऐसा मॉडल जो बार बार आपको लोड करवाना पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि ऐसी जितनी चीज़ें हैं जो आपको बार बार लोड करवाना करानी पड़ रही हैं, आप मतलब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड हो वो अपने आप लोड हो जाए, मतलब कोई डिपेंडेंसी ना रहे किसी भी चीज़ पर। मतलब कि मान लो कि आप उसको लोड नहीं करवाओगे तो, अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने ये मॉडल लोड करवा रखा है, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं यहाँ से और अब मैं आउटपुट देखूं तो एरर देगा, एरर दे दिया, अनडिफाइंड मॉडल उसको मिला ही नहीं। अब मैं वापस लिख दूंगा तो एरर हट जाएगा। तो कहने का गाइस मतलब ये है कि डिपेंडेंसी है कि हमें लोड करवाना ही पड़ेगा। तो ऑटो लोड में हमारे पास, अगर आप जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर कन्फिग के अंदर, ऑटो लोड डॉट पी एच पी है जिसमें बाय डिफॉल्ट काफ़ी चीज़ें ऑटो लोडेड है, जैसे कि मान लीजिए ऑटो लोड पैकेजेस, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। लाइब्रेरीज, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था लाइब्रेरी कैसे, लाइब्रेरीज को कैसे लोड करवाते हैं, हेल्पर को कैसे लोड करवाते हैं, और हो गया हेल्पर ड्राइवर्स, हेल्पर कन्फिग फाइल में, और लैंग्वेजेस हो गया इंग्लिश हिंदी वट एवर मॉडल हो गया। तो इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे कुछ ऑटो लोड डॉट पी एच पी में कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, कुछ एरे दे रखे हैं। एक्चुअली ये सब एरे हैं, खाली हैं अभी, और ये की है उसकी एक तरीके से, अगर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ये की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये मॉडल है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने इस कंट्रोलर के अंदर इस मॉडल को मैंने क्या करा, लोड करवाया है। ऐसे ही अगर मैं आपको ले चलूँ यूज़र मॉडल के अंदर, तो हमने डेटाबेस को यहाँ पे लोड करवाया है। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है या क्वेश्चन ये है यहाँ पे जो आता है यहाँ पे, अब ये डेटाबेस क्या है, अपने आप एक लाइब्रेरी है यार, क्यों ना मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ। हटा दिया, पर ये अब एरर देगा, क्या करें आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन लोड हो तो अपने आप डेटाबेस ऑटो लोड हो जाए। ऑटो लोड डॉट पी एच पी के अंदर चलेंगे हम, और यहाँ पे एक लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी ये रहा। यहाँ पे आप सिंपल एक इंडेक्स एरर दीजिए, यहाँ पे दीजिए डेटाबेस, बस इतना करने के बाद आप दोबारा एप्लीकेशन को रिफ्रेश कीजिए, चल जाएगा। मतलब कि आपका डेटाबेस जो है, आपकी डेटाबेस जो लाइब्रेरी है वो ऑटो लोड हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेमवर्क के अंदर ऐसी चीज़ें आपको दी जाती है जिससे आप जल्दी काम कर पाएँ, आपको हर पेज में कोड रेप्लीकेट मतलब दोबारा लिखना ना पड़े, तो इससे आपका समय बचता है। इसी तरीके से आप चाहते हैं मॉडल में मुझे ना लिखिए लाइन, देखिए कितना कोड कम हो गया। मैंने स्टार्टिंग जब शुरू की तो 6-6 लाइनें लिखी थी, फिर 4 पे आया, अब 2 पे आ गया हूँ। देखिए मैंने मॉडल हटा दिया, पर हाँ मेरे मॉडल का नाम क्या था वो मैं देख लेता हूँ दोबारा से एक बार, यूज़र मॉडल है। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं इस लाइन को। अब सिंपल, अभी भी एरर देगा ये, देखिए मिलेगा ही नहीं उसको मॉडल। तो अब चलेंगे हम ऑटो लोड के अंदर, और यहाँ पर आपको एक मॉडल का भी आपको एरे मिलेगा, यहाँ सिंपल पास कर दीजिए 1D एरे के अंदर। सिंपल ऐसे जितने आपके मॉडल हों आप सबको पास कर दीजिए, सब ऑटो लोड हो जाएंगे। अब देखिए आप, चल जाएगा ये, चल गया। कितना लाइन ऑफ कोड कम हो गया, मेरे को तो ये चीज़ बतानी है आपको, देखिए कितनी चीज़ें कम हो गई, सिंपल। तो ये गाइस ये होता है फ्रेमवर्क का मैजिक, और मैजिक से याद आया ऑटो लोड क्या है, अपने आप एक मैजिक मेथड है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मैजिक मेथड्स क्या होते हैं एंड ऑल, मेरे चैनल पर जाइए, आपको एक सीरीज मिलेगी मैजिक मेथड्स की, 12-13 वीडियो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप वहाँ से ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना है उसकी सीरीज़ है, सिंपल पीएचपी सीखना है उसकी सीरीज़ है, एमवीसी सीखना है उसकी सीरीज़ है, और फ्रेमवर्क तुम्हारा चल ही रहा है। आई होप गाइज आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा
एंड कुछ कस्टम हेल्पर के बारे में और जो भी इंटरेस्टिंग होगा फ्रेमवर्क जैसे हम करते जा रहे हैं, क्योंकि मैं चल रहा हूँ एकदम बेसिक से, तो मैं नहीं चाहता कुछ चीज़ स्किप हो। और जो चीज़ स्किप हो गई हैं अभी, जैसे कि मैंने एक्टिव रिकॉर्ड के बारे में बताया था आपको, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। मैंने खाली आइडिया दिया था, एक दो एग्जाम्पल चला के दिखाए थे, बट मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा वीडियो दूँ आपको कि सारे एग्जाम्पल्स कवर हो जाएँ। आई होप गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपने कुछ नहीं करना, गूगल पर जाना है, ट्यूटोरियल पॉइंट 2K16 लिखना है, और उसके बाद फिर ये आपको चैनल यहाँ ओपन होगा, और फिर इस रेड कलर के बटन को आपको प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो गाइस बस इतना ही चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।